हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो ये सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। और नाश्ते में मैंने बनाई है ऑमलेट और चाय बना रखी है एक साइड में। तो मैंने चाय भी साथ में ही चढ़ा दी थी, दोनों एक साथ बनते रहेंगे और बच्चों को मैं गरम गरम दे दूंगी। और ये उठ गए हैं, अपनी क्लासे ले रहे हैं, सबने हाथ मुंह धो लिया है क्योंकि आज हमको करनी है बहुत सारी सफाई दोनों कमरों की, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कि ये सफाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो मैंने कहा फटाफट से सब नाश्ता करो और फिर नाश्ता करके सब काम में लग जाएंगे। और बस नाश्ता करने के बाद हम सुबह सुबह लग गए अपने कामों में। तो आज सुबह सुबह ये बेड खोल के बैठ गए, और बेड खोलने के बाद आप लोगों को पता काम कितना फैल जाता है। बच्चों को जो कपड़े नहीं आते थे वो भी मैंने चेक करके निकाल दिए। तो इनके कपड़े मैंने निकाले थे कि तुम चेक कर लो, काफ़ी दिन हो गए रखे हुए। जो भी नए कपड़े थे वो सब पहन के देख लो, जो नहीं आते होंगे तो भीड़ क्या करनी, मैं उन्हें हटा दूंगी। और बेड में बहुत दिन के जो भी सामान रखा है पहले का वो सब मैं चेक कर रही थी क्या सामान इसमें रखा है, और अच्छे से सफाई भी कर दूंगी अंदर से सामान निकाल कर। तो गुड़िया भी पहन के देख रही थी, इसने भी अपने पहन के देखे, तो इसे तो ये अभी आ रही है स्कर्ट है, लॉन्ग भी चल जाती है स्कर्ट तो शॉर्ट भी चल जाती है। मैंने इसे कहा ठीक है ये वाली तो तुम निकाल लो पहन लिया करना, और अच्छी लगती है स्कर्ट। और गुड़िया गुड्डू का ये वाला सेट क्या बोलते हैं सेट जो है वो छोटा हो गया, तो इसे ही मैं इसे भी मैंने निकाल दिया कि जो नहीं आते उन्हें हटा दो, फिर फायदा क्या भीड़ करने का। और बैग में एक अच्छी खासी जगह निकल गई जो कि मैं और कपड़े लाके उसमें रख सकूं, क्योंकि मेरे पास एक ही अलमीरा है आप लोगों को पता है, उसमें ही मैं क्या क्या रखूं समझ नहीं आता। तो नए कपड़े मैं बेड में रखती हूँ जो कभी कभी निकलते हैं, पार्टी वेयर कपड़े जो होते हैं ये तो कभी कभार काम आते हैं, तो इन्हें मैं बेड में ही रखती हूँ। और जो मेरे डेली यूज के कपड़े होते हैं उसे ही मैं सिर्फ अलमारी में रखती हूँ। और इस वाले रूम में तो आपको पता है मेरे अलमारी नहीं है, ये वाले मुझे बहुत मुश्किल हो जाते हैं एडजस्ट करने में। इस वाले रूम में अलमारी नहीं है तो मुझे बड़ा देख देख के काम करना पड़ता है, सामान यहाँ पे रखना पड़ता है। और कपड़े यहाँ के कपड़े तो मैंने एक कर्टन ले रखा है, उसमें रख देती हूँ मैं कुछ चादर वगैरह है जो भी सोफे के कवर है, तो वो कर्टन में मैंने भर के कार्टन इसके नीचे ही रख रखा है। मैंने फोल्डिंग के नीचे काफ़ी जगह है, उसे मैं इसके नीचे ही रख देती हूँ, क्योंकि जो भी सामान होता है तो एक ही जगह नहीं घुसा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा हो जाता रूम, इसलिए थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं तो सफाई भी दिखती है और अच्छे से झाड़ू भी नीचे से लग जाती है जो भी सामान हम रखते हैं उसका। और साड़ियाँ भी मैंने निकाली है जो कि मेरी ड्रैकलिन के लिए जाएंगी। जो भी कपड़े मेरे ड्रैकलिन के थे वो मैंने अलग कर लिए, पहले ही मैं उनको ड्रैकलिन के लिए भिजवा दूंगी, क्योंकि अब फेस्टिवल है तो पता नहीं दुकान वाले भी फिर पेंडिंग कर देते हैं तो टाइम पे नहीं देते, इसीलिए मैं पहले ही जो भी ड्रैकलिन की चीज़ें हैं वो मैं भिजवा दूंगी पहले ही, जो कि आराम से टाइम से ड्रैकलिन होके मेरा सामान आ जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि फिर कहीं जाना होता है तो ये सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो ये है ड्राई क्लीन करा के रख लेते हैं हम अपने कपड़ों पर, तो कहीं भी जाना होता है तो जल्दी से निकालो और पहन लो तो कोई दिक्कत नहीं होती। टाइम टू टाइम काम कराना तो बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि टाइम पर कई बार चीज़ें मिलती भी नहीं है, तो ड्राई क्लीन वाले भी टाइम कई बार ज़्यादा दे देते हैं उनके पास जब सामान ज़्यादा आता है, सामान नहीं सॉरी जो भी कपड़े आते हैं उनके पास वही सब।
और आज ये वाला जो मेरा रूम है ये तो पूरा इतना फैला हुआ था, सुबह सुबह मुझे देख के लग रहा था इसे मैं समेटूंगी कैसे, बहुत ज्यादा फैला हुआ था। और एक ये छोटा सा मेरे पास ये टीवी ट्रॉली रखी हुई है, इसमें कोई सामान नहीं रखती मैं, और इसके जो शीशे होते हैं उसमें कुछ ज्यादा दिखता भी नहीं है अंदर का क्या रखा है क्या नहीं, इसीलिए मैं इसमें चादर वगैरह कुछ छोटी मोटी चीजें रख देती हूँ जो कि दिखाई नहीं देती। और नवरात्रों से पहले सफाई तो करनी थी क्योंकि हम करे मैं व्रत तो नहीं करती, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था हम लोग व्रत तो करते नहीं है, तो सफाई मैं जरूर कर लेती हूँ। जब भी नवरात्रे शुरू होते हैं तो एक बार मैं नवरात्रों से पहले सफाई जरूर कर लेती हूँ। और ये वीडियो मेरा लेट जाएगा, ये सफाई मैंने नवरात्रों से एक दो दिन पहले ही की है और ये वीडियो मेरा लेट जाएगा। तो हमेशा ही मैं सफाई तो कर ही लेती हूँ, व्रत रखे या ना रखे इस बहाने से सफाई भी हो ही जाती है घर में। और जैसे ही त्यौहार शुरू होते हैं ना तो त्यौहार की तैयारी करना कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है बहुत ज़्यादा त्यौहार के दिनों में। और जब त्यौहार चले जाते हैं तो ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ गुम सा हो गया है, मन नहीं लगता। तो दिवाली तो मेरा फेवरेट है, शुरू से ही मुझे दिवाली बहुत पसंद है, छोटेपन से ही, मतलब दिवाली रक्षाबंधन ये सब ये दोनों त्योहार तो इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। और गुड़िया हो रही है बिल्कुल पागल, ना तो काम करने दे रही है, रास्ते में आके बस हंसे जा रही थी, इसे पता नहीं क्या मिल जाता है। क्योंकि बच्चे बड़े खुश होते हैं घर में जब काम फैलता है ना, सफाई होती है, बीच बीच में आएंगे इन्हें नई नई चीज़ें दिखेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें निकालते रहते हैं और ये देखते रहते हैं नई नई चीज़ें। तो बस मेरी सफाई हो गई है, मैंने चादर यहाँ पे बिछा दी है और देख लो मेरा ये वाला रूम बिना अलमीरा के भी सेट हो गया। अगर करना चाहे तो क्या नहीं हो जाता, सब कुछ हो जाता है, बस ये है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है सेटिंग के लिए कि कौन सा सामान हम कहाँ रखें। और वही सब चीज़ें हैं, मैं इसमें सामान मैंने रख भी दिया और जो कि नज़र ना आए वो भी मैंने इसी तरीके से रखा है सामान, और फोल्डिंग के नीचे ही रखा है। थोड़ा सा मेहनत तो होती है, मुझे हटा के झाड़ू लगानी पड़ती है, पर ये है कि चलो दिखता नहीं है और साइड में रखा रहता है। और रोज़ झाड़ू हटा के सामान जब झाड़ू लगा देते हैं तो सफाई भी अच्छे से हो जाती है और नीचे से पोछा भी लगा देती हूँ मैं जितना भी स्पेस बचता है उसमें। तो बस अब मुझे ये कवर ढकने हैं, सोफे के कवर भी मैं ला नहीं पाती क्योंकि सोफे मेरे पास दो ही है और तो है, मतलब पूरा सेट तो है नहीं, इसीलिए फिर दो जोड़ी कवर है वही मैं चेंज करती रहती हूँ। और ज़्यादातर आपको वाइट ही दिखते होंगे, वाइट अच्छे लगते हैं इस पे, इसलिए ज़्यादातर वाइट ही रहते हैं इन पे। गरम पानी से नहाना है। तो बस सोफे भी सेट हो गए, डस्टिंग तो मैंने की थी, सोफे मेरे बिल्कुल साफ है, डस्टिंग मैंने कल ही की थी, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आज भी कर दूंगी। और मैंने पूरा रूम सेट कर दिया, आप लोग देख लीजिए। करते ना एक ही बज गया था, मुझे ज़्यादा टाइम लगा साफ सफाई करने में। और मैंने बेड की भी पूरे अंदर से अच्छे से सफाई की है आज, सारा सामान निकाल के,
क्योंकि धूल मिट्टी हो ही जाती है, उस पे पैर रख के चढ़ते हैं तो बच्चे भी नीचे खेलते हैं फिर इस पे बेड पे, तो वो धीरे धीरे ना झड़ के इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने सारा बेड आज मतलब गद्दे वद्दे चादर सब हटा के अच्छे से क्लीन करके सफाई करके जब मैंने अच्छे से चादर बिछाई, और इस बैग में भी मैंने थोड़े बहुत कपड़े रख लिए जो कि अलमारी में नहीं आएंगे, तो मैंने इसमें कपड़े रख लिए बैग में, जो मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कभी निकाल लूँगी। और बस आपको दिख रहा है अभी भी मैंने सफाई के लिए मैं अंदर से कपड़े निकाले ही जा रही हूँ। तो ये वाली क्लिप मेरी, इस वाले रूम की सफाई रहती थी, मतलब ये क्लिप मेरी बाद में आई है। तो गुड़िया एक और अपना ट्राई कर रही थी आज, तो इन्होंने कपड़े भी खूब निकाल निकाल के अच्छे से देखे हैं, पहन पहन के देखते रहे, क्योंकि और ना काम जब करते हैं तो ज़्यादा काम इसलिए ही फैलता है कि एक काम छोड़ के दूसरी चीज़ में लग जाते हम। तो बस वही हो रहा था, मैं सफाई में लगी हुई थी, कुछ ना कुछ सामने आए आए जा रहा था इनके कपड़े जो भी थे, तो मैं कह रही थी चलो ये भी चेक कर लो कहीं छोटे ना हो गए हो, तो वही मैं दिखा रही थी गुड़िया को। तो आप लोगों को पता आज मुझे काम करते करते कितना टाइम हो गया था, दोपहर के 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 बजे मेरा काम निपटा। तो जब मैं फ्री हुई थी काम करके, और हम दोनों ही लगे थे, ये भी मेरी हेल्प करा देते हैं थोड़ी बहुत जब जाके काम इतना हो पाता है, और इतना ज़्यादा काम, और मैंने इतना सारा कूड़ा घर में से जो कचरा निकाला है ना, दोनों बाल्टी मेरी भर गई थी। और सफाई करते हैं ना, चाहे कर भी दो और 10-15 दिन बाद फिर दोबारा करते हैं, उतना ही पता नहीं फिर से जमा हो जाता है कूड़ा, कहाँ से इतना आता है। तो इसीलिए मैं हटा हटा के सामान अच्छे से देख देख के सारी सफाई करती हूँ। अच्छा क्या करना तो मैं गुड्डू को चिढ़ा रही थी, नेताजी बन गया एक बार, हाथ जोड़ के हाथ कर दे सबकी तरफ, ऐसा लग रहा तू। और गुड्डू कह रहा भाई मैं नहीं हारा वीडियो में। गुड़िया भी अपनी कलेक्शन कुछ ना कुछ दिखा रही है, जो ये कहती है मम्मी मेरे छोटे कपड़े फेंकना मत, आप जमा करते रहो रखते रहो उठा के, कैसे रखते रहे भाई सामान इतना हो जाता कहाँ रखे समझ नहीं आता। और मैं गुड्डू की जैकेट पहनने के जैकेट देख, गुड्डू मुझे भी आ गई तेरी जैकेट, कह रहा मम्मी ये तो पहले भी ढीली थी मेरी, और ये मैं काम करने के बाद बस नहा धो के चले गए थे बाहर। तो बाहर गए थे हम और स्नेल लेके आए हैं, दो छोटी छोटी फिश लेके आए हैं, ये अच्छी लग रही थी तो हम लेके आ गए कि इसे एक्वेरियम में डाल देंगे। स्नेल तो पहले भी था मेरे पास, लेकिन इन्होंने ना वो धोते समय गिरा दिया और वो चला गया नाली में कहीं। तो यही थी मेरी वीडियो आज की, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।